बड़ी चालाक होती है जिंदगी, रोज नया कल देकर उम्र छीनती रहती है। निगाहों से भी चोट लगती है जब हमें कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो उसे यह एहसास मत दिलाओ कि वो सच में अंधा है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। कोई हमारा विश्वास तोड़े तो उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये सिर्फ वक्त हमें बताता है। जिंदगी में कुछ बातें तब तक हमें समझ में नहीं आती जब तक कि वो बातें हम पर न गुजरे। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वो सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे प्रेम भी करते। उठकर पानी नहीं लेने वाले अब कपड़े खुद से धोते हैं। घर के लाडले थे जो अब अकेले में रोते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं भाई साहब, हम बेटे भी पराए होते हैं। मुफ्त में नहीं सीखा उदासी में मुस्कुराने का हुनर, बदले में जिंदगी की हर खुशी तबाह की है। जीवन में किसी को इतना महत्व भी मत दो कि वो आपके चेहरे की मुस्कान छीन ले। मुझे अकेलेपन से डर नहीं लगता, सच कहूं तो झूठे रिश्तों से बहुत लगता है। जिस चांद के हजारों चाहने वाले हो वो क्या समझेगा एक सितारे की कमी को। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को क्या पता कि इस दिल की दीवार कहां से कमजोर है। अकेलापन, डिप्रेशन में जा रहे हो, कोई बात करने के लिए नहीं है जिससे तुम प्रॉब्लम शेयर कर सको, एडवाइस ले सको। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, समझने की कोशिश नहीं कर रहे। फ्रेंड्स आ रहे हैं धोखा देके निकल रहे हैं, सब कुछ मैस जब है, बिल्कुल अकेले हो गए, बहुत रो दो, खाना खाने का मन नहीं करता है ना। अब मेरी बात सुनो, इट्स ओके टू बी अलोन। 10 लोग लाइफ में आएंगे तो 20 लोग लाइफ से जाएंगे भी। कभी तुमने एक ऐसा एग्जाम दिया जिसमें तुम बिना चीटिंग करे, बिना किसी की हेल्प लिए, बिना किसी से पूछे पास हो गए हो। उसके बाद कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना, अरे कर दिखा मैंने, अपने दम पर पास हुआ। अब वो एग्जाम तुम्हारी लाइफ है और वो क्वेश्चंस तुम्हारी प्रॉब्लम्स। एग्जाम कौन ले रहा है? भगवान जी। इसमें तुम चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरों के पास अपनी प्रॉब्लम्स है, अपने क्वेश्चंस, अपने सॉल्यूशंस, तुम्हारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं। सॉल्व किसने करना है? तुमने। आंसर किसके पास है? तुम्हारे पास। इजी से इजी क्वेश्चन होंगे, टफ से टफ क्वेश्चन होंगे। सॉल्व कर लिया, पास हो गए तो वेल एंड गुड। अगर हो गए फेल तो कितनी बार हो गए? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार। पांचवी बार तुम पास हो गए और तुम्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होगा और बन जाओगे इंडिपेंडेंट। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। तसल्ली तो सब देते हैं लेकिन साथ कोई नहीं देता। आपके अपनों ने आपको धक्का मारा डुबाने के लिए, लेकिन फायदा ये हुआ कि आप तैरना सीख गए। जो चीज आपको चैलेंज कर सकती है वही चीज आपको चेंज कर सकती है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आग बंद करके विश्वास करते हैं। हर रोता हुआ लम्हा भी मुस्कुराएगा। सब्र रख ए दोस्त, वक्त तेरा भी आएगा। बदला नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। बदला नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। बुरा बन गया हूं मैं, अपनों की मेहरबानी। निकाला नहीं जाता किसी को दिल से साहब, लोग खुद ही बाहर का रास्ता ढूंढ लेते हैं। इच्छाएं भी बड़ी बेवफा होती है, कम वक्त पूरी होते ही बदल जाती है। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग तसल्ली तो देते हैं लेकिन साथ नहीं। यदि किसी का साथ नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन उसे रुलाने का हक तुम्हें किसने दिया है? रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, जिसने जितना साथ देना है वो उतना ही निभाएगा। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश कर तो याद नहीं आती। हम मर गए तो सबको दफनाने की फिक्र होगी, किसी को कब्र की तो किसी को ले जाने की फिक्र होगी। मेरा नाम पुकारोगे मस्जिद के मीनारों में, ऐ लोगों मेरा नाम पुकारोगे मस्जिद के मीनारों में, कहीं देर ना हो जाए जनाजे की फिक्र होगी। पहले रोते थे मेरे मरने के अफसोस पे, हम चले गए तो उनको खाने की फिक्र होगी। जूं ही शाम होगी परेशानी बढ़ जाएगी। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। जो पल बीत गया उसे हर पल याद मत करो, जो है सामने खड़ा उसके साथ जीने की शुरुआत करो। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन समय सबके पास था। आज सबके पास घड़ी है, लेकिन समय किसी के पास नहीं। जज्बातों में बहकर खुद को किसी के अधीन मत कीजिए। खुदा और खुद के अलावा
किसी पर यकीन मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों ने कभी मोहब्बत नहीं किया होगा या उनका दिल नहीं टूटा होगा। चाहते तो सिगरेट और गांजा फूंक कर वो भी कबीर सिंह बन सकते थे। फिर उन्होंने अपने माँ का वो मासूम चेहरा देखा और पिता की मजबूरी देखी और घर के हालात देखे और फिर बढ़ गए मुस्कुराते हुए अपने सपनों की ओर, भुलाकर उस मोहब्बत को जो कभी जिंदगी थी उनकी। एक बात बताओ, तुम्हें गुरूर किस बात का है? जरा एक बात बताओ कि तुम्हें गुरूर किस बात का है? मरने के बाद तुम्हारे अपने भी तुम्हें छू कर हाथ धोएंगे। कि मैंने खुद का तमाशा खुद बनाया है, लोगों ने मुझे क्या घिराना था, मैंने खुद को खुद घिराया है। लोगों ने मुझे क्या घिराना था, मैंने खुद को खुद घिराया है। चलो आजमा के देख लेते हैं अकेले जीना, मैंने दुनिया के हर अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। और मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो क्यों, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो।